गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मसालेदार बैंगन की रेसिपी लेके आई हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बैंगन को मैंने अच्छे से धो लिया है, अब इसे मैं काटूँगी। इसे मैंने इस तरीके से दो दो पीस में काटी हूँ और बीच में चीरा लगाई हूँ, देखिए इस तरीके से। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी और थोड़ी पानी डाल के इसे मैं भिगो के 10 मिनट रख दूंगी इसी तरीके से। और तब तक इसका लिए मसाला रेडी करते हैं। चले गाइस, मसाला में 1 चम्मच धनिया लिया है और थोड़ी काली मिर्च, 3 सूखा मिर्चा और 10-12 लहसुन की कलियां और 2-3 अदरक का टुकड़ा और 3 प्याज, 1 टमाटर। देखिए ये 10 मिनट हो गया। अब इससे मैं सारा पानी निचोड़ के निकाल लूँगी बैंगन से, इस तरीके से निचोड़ के निकालूँगी मैं बैंगन से पानी। देखिए सारा मैंने पानी निचोड़ के निकाल लिया है। अब इसमें मैं थोड़ी हल्दी डाल के इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी। अब इसे मैं ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में हल्का फ्राई करूंगी सारे बैंगन को। देखिए मैंने फ्राई कर लिया है इसे अच्छे से। अब मैं निकाल लिया सारा बैंगन को मैंने फ्राई करके। अब मैं इसे पकाऊंगी, उसी फ्राई किया ऑयल में पकाऊंगी। थोड़ी मेथी दाना और 2 सूखा मिर्चा लिया है, ऑयल में डाली हूँ। अब ये 3 प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट है, इसे मैं यहाँ तेल में अच्छे से भून लेती हूँ पहले। अब मैं हल्दी डालूंगी। अब मैं इसमें 10-12 ये करी पत्ता डाल के इसे भी मैं भूनूंगी। अब इसमें मैं मसाला ऐड करूंगी, 1 टमाटर, धनिया, काली मिर्च और 2 सूखा मिर्चा का पेस्ट है ये, इसे भी अच्छे से भून लेती हूँ पहले मैं। देखिए ये अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं थोड़ी पानी ऐड करूंगी। अब मैं इसमें फ्राई किया वाला बैंगन को इसमें ऐड करके पका लेती हूँ। अब स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। अब और थोड़ी पानी ऐड करूंगी इसमें मैं। अब इसे मैं ढक के 7 मिनट पकाऊंगी। देखिए 7 मिनट हो चुका है,
यह बन गया है, देखिए अच्छा ग्रेवी बन चुका है मसालेदार। और इसमें अब डालूंगी एक चम्मच लेमन जूस, और यह है मान धनिया। अब ये सारी चीज़ डाल के इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ, और ये अब बन के रेडी है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नए वीडियो के साथ मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।